आप हवन को अग्नि दीजिए। जी। हवन कुंड में ऐसा कुछ है जो इसने स्वयं रखा है और अपनी योजना सफल होता देखिए यहाँ से निकल रहा है। कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। महाराज को हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित नहीं करनी चाहिए मंत्रीवर। पंडित रामकृष्णा, इस प्रकार हवन मध्य में ही छोड़ के कहां जा रहे हैं? वो महाराज मैं देखने जा रहा था कि हवन के पश्चात भोग की व्यवस्था अच्छे से हुई है या नहीं। अभी देखकर आता हूं। उसकी आवश्यकता नहीं है पंडित रामकृष्ण। महामंत्री जी ने समस्त व्यवस्थाएं की हुई है। आप यहां आइए। मैं यही ठीक हूँ महाराज। पंडित रामकृष्णा, हवन प्रारंभ होने से पूर्व हम आपसे कुछ आवश्यक बात करना चाहते हैं। यहाँ आइए। वहीं से बोल दे महाराज। आप सत्य कह रहे थे पंडित रामकृष्णा। इस हवन कुंड में ही कुछ है। हाँ। इसीलिए बार बार वो हवन कुंड से दूर रहने का प्रयास कर रहा है। पंडित रामकृष्ण आइए, हवन का मुहूर्त निकला जा रहा है। आपको इस प्रकार समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए पंडित रामकृष्ण। पधारिए पधारिए पधारिए। पंडित रामकृष्ण जी, महाराज आपको बुला रहे हैं। जाइए जाइए। तुमने धमाके की आवाज सुनी? नहीं हुजूर। लेकिन सुदामा की योजना के अनुसार अब तक तो धमाका हो जाना चाहिए था। लगता है हुजूर फिर से नाकाम हो गया। बातें तो बड़ी बड़ी करता है हुजूर, लेकिन काम छोटी से भी नहीं कर पाता। कहीं ये बारूद वाले नारियल कम तो नहीं पड़ गए? हुजूर, वो नारियल में पानी नहीं, बारूद है हुजूर। पता है तमाम, इसमें पानी नहीं है। कहा था उस सुदामा से इतने सारे मंगवाए, ये चंद भर से क्या होता है? लेकिन वो बेवकूफ कभी सुनता है क्या? शर्त लगा लो हुजूर, वो नारियल हवन कुंड तक पहुंचे ही नहीं होंगे और अब तो आप भी नहीं पहुंचा पाएंगे। चुनौती दे रहे हो? एक बार मैं हार गया इसका मतलब ये नहीं मैं बार बार हारूंगा। ये चुनौती तो मैं जीत ही सकता हूं, बल्कि जीत के दिखाऊंगा। ये लो, लो, चलो। जी महाराज। पंडित रामकृष्ण, ये हवन जो है वो हमारे और विजयनगर राज्य की सुरक्षा हेतु हो रहा है। जी महाराज। और आप तो अत्यंत आतुर रहते हैं हमारी सुरक्षा हेतु। जी महाराज। कई बार आपने विजयनगर राज्य को संकटों से बचाया है, कई बार हम स्वयं बचे हैं संकटों से आपके कारण। बचे हैं ना पंडित रामकृष्ण? जी महाराज। अद्भुत। तो हम चाहते हैं कि आज के इस हवन की अग्नि को आप प्रज्वलित कीजिए। मैं महाराज, मैं भला ऐसे कैसे कर सकता हूँ? हाँ महाराज, ये कैसे दे सकते हैं? हवन संकल्प आपने लिया है। हाँ। हवन आपकी सुरक्षा के लिए हो रहा है, अतः हमें याद है गुरुवर, याद है। परंतु फिर भी हम चाहते हैं कि पंडित रामकृष्ण इस हवन कुंड को अग्नि दे। परंतु शास्त्रों के अनुसार ये संभव नहीं है। संभव है, संभव है। महाराज, शास्त्रों के अनुसार यजमान की ओर से कोई भी व्यक्ति अग्नि दे सकता है।
हमारी बात काटने का, हमें नीचा दिखाने का आज ये कोई भी अवसर नहीं छोड़ रहे हैं। मुन्ना, पंडित रामकृष्णा के हस्त प्रक्षालन करवाइए। किंतु मैं अग्नि नहीं दे सकता। पंडित रामकृष्णा, हम आपसे आग्रह कर रहे हैं कि ये शुभ कार्य आपके ही हाथों होना चाहिए। क्षमा करें महाराज, किंतु ये मैं नहीं कर सकता। हम भी तय कर चुके हैं पंडित रामकृष्णा कि हवन को अग्नि तो आप ही देंगे, तभी ये हवन होगा, अन्यथा ये हवन नहीं होगा। ऐसे कैसे नहीं होगा जी? नहीं महाराज, हमारा कहने का तात्पर्य है हवन तो होना ही चाहिए, हवन को बीच में नहीं रोका जा सकता। पंडित रामकृष्णा, आइए ना, आइए, दीजिए दीजिए ये हवन कुंड को अग्नि दीजिए। मुहूर्त निकला जा रहा है, दे दीजिए ना अग्नि। मैं नहीं दे सकता। दे दीजिए ना पंडित रामकृष्णा, क्या क्या समस्या क्या है आपकी, बोली। ये नियम के विरुद्ध है। ये नियम के विरुद्ध नहीं है, तुम अग्नि दो। अरे मुन्ना की नहीं, कम से कम हमारी बात तो सुनो। हमारी क्यों नहीं सुनेंगे, हम आपके शत्रु हैं। तुम अपना ध्यान हवन पे केंद्रित करो। हम वही कर रहे हैं ना, हमें प्रतीत होता है कि आपका ध्यान कहीं और है, कदाचित किसी और के सुख चैन पर, कदाचित किसी और के कार्य पर, संभवतः किसी और की पदवी पर। हमें दोष दे रहे हो, तुम्हारा ध्यान हमेशा धन हड़पने पे लगा रहता है। मनी, मैंने तो पहले ही कहा था, इन दोनों के बीच की दीवार एक ना एक दिन इन दोनों के ऊपर ही गिरने वाली है। ये दोनों उसी में दबने वाले हैं। इन दोनों भाइयों को हो क्या गया है, आखिर कर क्या रहे हैं? छल प्रतीत होता है ये इन लोगों का पारिवारिक गुण है, किंतु इनके वाद विवाद में सुदामा कहीं ना भाग निकले। अन्ना सही कह रहे थे धनी मनी, आसीन के सांप है आप, जो अपने ही भाई को डसने की योजना बना रहे थे। तुम क्या हो, तुम हमारे उपकार उस भाई को भूल गए, उस अन्ना को भूल गए जिसने तुम्हें शिक्षा दी। देखा देखा महाराज, महलों के ठाट बाट मिलते ही हम लोग बड़े भाई को भूल गया। अरे अन्ना चुप। अरे भाई तुम कहाँ जा रहे हो, इधर आओ, हवन कुंड में अग्नि दो। मैं नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते? नहीं दे सकता। अरे क्यों नहीं दे सकता, आदेश का पालन करो और चुपचाप हवन में अग्नि दो सुदामा। अरे हाँ सुदामा, चुपचाप आकर हवन कुंड में अग्नि दो। समस्या क्या तुम्हारी, मूर्ख हो क्या, एक छोटा सा कार्य नहीं कर सकते हो? मूर्ख मैं नहीं, तुम दोनों हो जो दौलत खान के दिए हुए बारूद से भरे इस हवन कुंड को अग्नि देने के लिए कह रहे हो। ये सब विद्वान एक जैसे निकले, हमें कुछ करना होगा। याद है हमें कोतवाल महोदय। महाराज मैं असली हूँ, ये नकली है। महाराज नहीं, महाराज मैं असली रामकृष्ण हूँ, ये नकली है। वो तो भला हो पंडित रामकृष्ण का जिन्होंने हमें समय रहते सतर्क कर दिया। ये दोनों तो साथ साथ जा रहे हैं, कैसे रोके इन्हें, कैसे सतर्क करें महाराज को? महाराज को क्यों रोकना चाहते हैं आप? यहाँ भी और वहाँ भी। मैं हूँ आपका असली पंडित रामकृष्णा, वो जो है वो बहरूपिया है महारानी जी, वो महाराज की हत्या करना चाहता है। हत्या?
महाराज की हत्या। हे ईश्वर, पंडित रामकृष्ण, हमें आप पर पूर्ण विश्वास है कि इस परिस्थिति से बाहर निकलने का कोई ना कोई हल आप अवश्य निकाल लेंगे। बचाने वाली तो माँ है, मैं तो केवल कर्म ही कर सकता हूँ, किंतु उसके लिए महाराज को सतर्क करना आवश्यक है और वो इस समय मैं नहीं कर सकता। परंतु हम तो कर सकते हैं, हम महाराज को रोकेंगे। महाराज जी। महारानी। महाराज, आप रक्षा हवन के लिए जा रहे हैं तो हम चाहते थे कि आप उसमें कुछ विशेष वस्त्र पहने। परंतु हाँ महाराज, पर्याप्त समय है, आप चाहे तो दूसरा अंग वस्त्र पहन सकते हैं। मैं जाकर गुरुवर और अन्नाचार्य जी को बता देता हूँ कि महाराज पधारने वाले। उचित है पंडित रामकृष्ण, जाइए। आपको ये विशेष वस्त्र। महाराज, मंत्री जी, ये सब क्या हो रहा है? महाराज, दो दो पंडित रामकृष्ण हैं, एक असली दूसरा नकली, एक रामा दूसरा सुदामा। ये असली है? जी महाराज। महाराज, दुख की बात यह है कि मेरा हमशक्ल आपका शत्रु है और उसने हवन के समय आपकी हत्या करने की योजना बनाई है। तो दुर्भाग्य से ये नहीं ज्ञात हो पाया है कि वो ये सब कैसे करने वाला है और उसके दूसरे साथी कौन कौन है। महाराज, आपका इस प्रकार से हवन में जाना सुरक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं है। हाँ महाराज, आप हवन स्थगित कर दीजिए। हाँ महाराज, आप हवन में मत जाइए। जी, और ये सिद्ध कर दें कि विजयनगर नरेश कृष्णदेव राय एक भैरूपी से भयभीत हो गया। असंभव। हम जाएंगे और अभी जाएंगे। महामंत्री जी, पंडित रामकृष्ण, आप जाइए और उस भैरूपी को रंगे हाथों पकड़ने का प्रबंध कीजिए। एक उपाय है उसे रंगे हाथों पकड़ने का। अर्थात ये पंडित रामकृष्ण की योजना थी। प्रश्न ये नहीं है कि ये योजना किसकी थी, प्रश्न ये है कि किसे पकड़े और किसे छोड़े। कौन असली है इन दोनों में से? दोनों में नहीं, चारों में। हमने भी तो इधर दो और पकड़े हैं। ये मूर्ख किसे पकड़ कर लिया है? दौलत खान। दौलत खान? हाँ, मैं हूँ दौलत खान और मेरे हाथों में बारूद है, बारूद। यहाँ सबको उड़ा देंगे। सबको उड़ा दूंगा, सबको। लेकिन हुजूर, हमारे पास जलाने के लिए कुछ भी नहीं है। ये बात तुम्हें अभी बोलनी जरूरी थी। बंदी बना लिया जाए दोनों को। देशद्रोह करने वालों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। भाइयों, अन्नाचार्य को भी बंदी बना लिया जाए। पकड़ लीजिए ने। मुन्ना। मुन्ना? कौन मुन्ना है? कौन मुन्ना? राजगुरु तथाचार्य, हमारी सहायता की कीजिए। परेशान करते समय मुन्ना, हमारी पदवी हड़पते समय मुन्ना, अचानक राजगुरु। राजगुरु तो आप बनना चाह रहे थे ना, बनना चाह रहे है? महाराज, ऐसे धोखेबाज भाई को जो अपने भाई का ना हो सका, देश का ना हो सका, जो दिन दिहाड़े अपने ही महाराज को, अपने ही राजा को मूर्ख बना रहा हो, विरोधियों का साथ दे रहा हो, दुश्मनों के साथ उठता बैठता हो, ऐसे धोखेबाज को बंदी ही बना लेना चाहिए। हम तो कहते हैं कि ऐसे निर्लज इंसान को कड़े से कड़ा दंड देना चाहिए। उचित कथन है आपका गुरुवर। हम तो कहते हैं आप भी तैयार हो जाइए बंदी बनने के लिए। जो भी आपने अन्नाचार्य के लिए कहा है वो सब आप पर भी लागू होता है। महामंत्री जी। महाराज, आचार्य तथाचार्य को देश द्रोह के अपराध में बंदी बना लिया जाए। अवश्य महाराज। सिपाहियों,
महाराज सभी अपराधी पकड़े गए, अब तो मुझे मुक्त कर दीजिए। नहीं महाराज, मैं असली रामा हूँ, मुझे मुक्त कर दीजिए। नहीं महाराज, मैं असली रामा हूँ, ये नकली है। नहीं महाराज, ये झूठ बोल रहा है, मैं असली रामा हूँ, मुझे मुक्त कर दीजिए। नहीं, मैं असली हूँ कोतवाल जी, मैं असली हूँ। शांत, असली कौन है नकली कौन है इसका निर्णय दरबार में होगा, और अपराधी को दंड भी दरबार में ही मिलेगा। और वचन देते हैं, यदि अपराध का दंड फांसी होगा तो देशद्रोह का दंड भी मृत्युदंड ही होगा। अब बोलिए। भयभीत ना हो अन्नाचार्य, अन्नाचार्य है ना? अन्नाचार्य है ना? भाई कहलाने के योग्य नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैं तो एक छोटा सा प्यादा हूँ, मुझे तो नारियल में बारूद भरने में भी डर लग रहा था। आप शांत रहिए, अन्यथा सबसे पहले आप ही को दंड दिया जाएगा। अपराधियों को दंड तो अवश्य मिलेगा, और वो भी कठोर दंड। सर्वप्रथम दंड मिलेगा नकली रामा को, जिसने ये षड्यंत्र रचा। परंतु सर्वप्रथम हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि नकली रामा है कौन। महाराज सरल है, अब तो मैं भी जान गया हूं, इन दोनों में से एक खुजली करता है और एक नहीं करता है। खुजली का क्या है, वो तो कभी कभी सभी को आती है, इसे कहाँ सिद्ध होता है कि मैं रामा हूँ और ये सुदामा, या ये रामा है और मैं सुदामा। देखिए महाराज, खुजली का पक्ष ले रहा है, यही नकली है। देखिए महाराज, स्वयं खुजली कर रहा है और आरोप मुझ पर लगा रहा है, वो तो गलती से हो गई। महाराज, महाराज हमारे पास एक उपाय है। पंडित रामकृष्ण के कंधे पर एक ताजा लाल घाव का निशान है, जो कि अम्मा ने उन्हें दिया है, और ये इसलिए दिया गया है क्योंकि ये सुदामा के समान लगे, और ये सब कुछ हमारी आंखों के समक्ष हुआ है महाराज। अर्थात जिसका घाव ताजा होगा वही असली पंडित रामकृष्ण होगा। हम चाहते हैं कि आप दोनों अपने अंग वस्त्र हटाइए, हम वो घाव देखना चाहते हैं। भाग्यशाली हूं, कल खुजली बढ़ गई थी और खुजला खुजला के ये चिन्ह ताजा हो गया। दोनों के घाव ताजा लग रहे हैं, और कोई उपाय होगा?
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.